स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ हूं राजीव और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का नंबर वन एंड लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय आपके खबर। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले आज के प्रमुख हेडलाइंस की तरफ। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया हिटलर व मुसोलिनी से भी ज्यादा भयंकर। आगामी 19 जनवरी को ब्रिगेड समावेश को सफल बनाने हेतु तृणमूल छात्र परिषद की ओर से एक निकाली गई रैली। मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने सिक्किम पुलिस के नवनिर्मित कंपोजिट बिल्डिंग का किए उद्घाटन। कालिंपोंग डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक मीट 2019 का आज से हुआ शुभारंभ। कीटनाशक खाकर युवक ने की आत्महत्या। अब बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की तरफ विस्तार से। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नदिया जिले के कृष्णनगर में कन्याश्री यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के साथ विभिन्न प्रकल्पों की शुरुआत व सरकारी परिसेवा प्रदान करने के दौरान मोदी सरकार को हिटलर व मुसोलिनी से भी ज्यादा भयंकर कहकर जमकर कोसा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कही कि केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे परियोजनाओं का श्रेय ले रही है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार का यह रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार द्वारा की जा रही राजनीति पर धिक्कार व्यक्त किया है। सुश्री बनर्जी ने मोदी सरकार पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से घर घर में पत्र भेजकर राज्य सरकार की परियोजनाओं का श्रेय लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिया गया सामान्य वर्गों का आरक्षण सिर्फ मात्र एक छलावा है। उन्होंने कहा जिसका इनकम 8 लाख सालाना इनकम है वो क्यों 10 या 20 हजार का नौकरी करेंगे। सुश्री बनर्जी ने हिटलर मुसोलिनी से भयंकर बताया मोदी सरकार को। मुख्यमंत्री ने बताया कि मोदी सरकार सरकारी खर्च पर अपने पार्टी का प्रचार कर रही है। उन्होंने बृहस्पतिवार को एक जनसभा में कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे आयुष्मान योजना में 1 रुपये भी नहीं देगी। केंद्र सरकार में अगर दम है तो अपने बलबूते यह कार्य करे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल ही भारत को राह दिखाएगी। भारत सरकार द्वारा गठित जनजाति मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी के संयुक्त सचिव श्रीमती मीरा रंजन छिरिंग के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि टोली ने बृहस्पतिवार दार्जिलिंग में जीटीए के पदाधिकारीगण और गोरखा 11 जातियों के प्रतिनिधियों के साथ भेंट कर बैठक की। आज अघि बिहान एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग मेरो प्रिन्सिपल सेक्रेटरी बीसीडब्ल्यू डिपार्टमेन्टको सेक्रेटरी र उहाँहरूसँग यहाँ बातचित भयो। त्यसपश्चात उहाँहरू 11 कम्युनिटीको प्रतिनिधिहरूलाई लिएर उहाँहरू करिब 1 घन्टासम्म यहाँ बाजी भयो। अनि जति पनि दस्तावेज थियो जो पहिला बुझाएको थियो त्यसकै कपीहरू अनि अरू मोडिफाइड कपीहरू पनि हामीले अघि इनकेस एसटी भएन भने योपालि बिलमा प्लेस भएन भने चाहिँ एसटीको बिलमा प्लेस भएन भने चाहिँ हाम्रो कोर्स अफ एक्सन के हुन्छ भन्ने। अहिलेसम्म हामी धेरै डिपेन्डेन्ट भएर आएको थियौँ तर अब योपालि पनि हाम्रो के डिसाइड भएको छ भन्दाखेरि हिजो हाम्रो यदि यो पालि चाहिँ आगामी 19 जनवरी को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की ओर से ब्रिगेड समावेश को सफल बनाने हेतु तृणमूल छात्र परिषद की ओर से एक रैली निकाली गई। आगामी 19 जनवरी को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की ओर से ब्रिगेड समावेश आयोजित होने जा रहा है। इस ब्रिगेड समावेश को सफल बनाने के उद्देश्य से तृणमूल छात्र परिषद की ओर से एक रैली सिलीगुड़ी में निकाली गई। यह रैली सिलीगुड़ी कॉलेज के सामने से निकाली गई और हिलकार्ट रोड, सेवक रोड, विधान रोड होते हुए वापस सिलीगुड़ी कॉलेज में आकर सम्पन्न हुई। इस दौरान तृणमूल छात्र परिषद के राज्य स्तरीय अध्यक्ष त्रिणांकुल भट्टाचार्य समेत दार्जिलिंग जिला तृणमूल छात्र परिषद के नेतागण के साथ कई समर्थक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने बृहस्पतिवार गैंगटॉक में सिक्किम पुलिस के नवनिर्मित कंपोजिट बिल्डिंग का विधिवत किए उद्घाटन। स्थानीय पालजर स्टेडियम के नीचे निर्माण किए गए भवन के निर्माण में 3 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए हैं जिनका उद्घाटन सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने किया। हाम्रो सरकार कालमा बहुतै पुलिस विभागको विकास भएको छ। जसरी सिक्किमको विकास भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ पुलिसको पनि विकास चाहिँ पुलिस विभागको विकास चाहिँ देशको विकास सँगसँगै राज्यको विकास सँगसँगै हुने कुरा हो। किनभने पुलिस पनि त्यही राज्यभित्र हुन्छ, राज्यको अभिन्न अङ्ग हुन्छ र राज्यको विकास भयो भने पुलिसको विकास हुन्छ। राज्यमा राम्रो कानुन व्यवस्था हो भनेदेखि राम्रो गभर्मेन्ट भयो भनेदेखि पुलिसलाई पनि राम्रो हुन्छ।
र हाम्रो यो 24 वर्ष सरकारकालमा सबभन्दा राम्रो सिक्किमका पुलिस वडा रहेको छ। अमेरिकाको हिस्ट्रीमा सबभन्दा पुलिसलाई नराम्रो भएको थियो ग्रेट रिसेसन पिरियडमा, सबभन्दा नराम्रो भएको थियो पुलिसलाई। र त्यति बेला अलका मनोहरूले पुलिसहरूलाई जहाँ भेट त्यहीँ माथ्यो, अनि अलका पना ग्याङले पुलिसहरूलाई बहुत हत्या गरेको इतिहास हामी पाउँछौँ ग्रेट रिसेसन कालमा। त्यस कारणले सबभन्दा ज्यादा पुलिसलाई फाइदा कहिले हुन्छ भनेदेखि जब चाहिँ रुल अफ ल हुन्छ, गुड गभर्नेन्स हुन्छ, स्टेबल गभर्मेन्ट हुन्छ, स्ट्रङ गभर्मेन्ट हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ पुलिसलाई सबभन्दा राम्रो हुन्छ। चाय बगानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने के लिए पुलिस ने शुरू की एक नई पहल। बच्चों को कोशिश कक्षाओं में किया जाएगा शिक्षित। गुरुवार को जयंती झोरा चाय बगान प्राथमिक विद्यालय में हुआ कोशिश कक्षाओं का उद्घाटन। कालचीनी अंतर्गत निमाती झोड़ा चाय बगान स्थित निमाती झोड़ा प्राथमिक विद्यालय में पुलिस द्वारा संचालित कोशिश कक्षाओं को उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कालचीनी थाना के प्रभारी अभिषेक भट्टाचार्य ने किया। इस अवसर पर कालचीनी थाना प्रभारी व आउटपोस्ट के SI शिवाजी सिंह, स्थानीय पंचायत सदस्य जोबा गौर, प्रधान शिक्षक फुलदास तिर्की, समाज सेवी लाल मोहन लोहार, सुंदर तामंग सहित स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस के द्वारा चाय बगान और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित करने के लिए अनूठी पहल शुरू की गई है। पुलिस और आम लोगों के बीच संबंध को मधुर बनाने के लिए यह अनूठी पहल शुरू की गई है। राज्य सरकार का धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आज जो कोशी को यो खोले बहुत ही राम्रो हम चिया कमान खोले जो अब आपको नानी ट्यूशन पढ़ा सकते हैं आपको आमा बाबा ने आज जो सरकार ने उद्देश्य लिया पुलिस माध्यम द्वारा आज हम कालचिनी ब्लक में सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आज हम नानीहरूलाई डुवर्सको नानीहरूलाई हाम्रो चिया कमानको नानीहरूलाई बस्तीको नानीहरूलाई धेरैले नै ट्युसन पढाउन सक्दैन र जुन चाहिँ राज्य सरकारले जो उद्योग लिएको छ त्यो बहुतै राम्रो छ, एकदम राम्रो छ। अनि हाम्रो यो नानीको भविष्यत पनि हामी हेर्न चाहन्छौँ कि यो आज जुन सरकारले आज यस प्रकारले राम्रो यो उद्योग लिएको छ हाम्रो नानीहरू पढ्नुमा तेजी हुन्छ, राम्रो हुन्छ, यही म भन्न चाहन्छु। ये जो कोशिश है इसे अगर पुलिस प्रशासन के तौर पे या तो कोई समाजसेवी संगठन के तौर पे अगर कोई आता है और इसे 2-3 घंटे ट्यूशन कराता है तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने उद्योग लिया है जिससे हमारे साधारण जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़े लिखे में पिछड़े हैं उनको काफ़ी मदद मिल सकता है। फिलहाल समय हो चुका है ब्रेक का, लौटते हैं हम ब्रेक के बाद और आप बने रहिए SK लाइव के साथ। एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। तो बेहुनरों से बचिए और हुनरमंद को ही काम दीजिए। फोटोज एंड वीडियोस आर मेमोरीज फॉर लाइफ, लीव इट फॉर प्रोफेशनल्स। फॉर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कॉन्टैक्ट सिमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस। मोबाइल नंबर 9434023813। Interested to learn photography but don't have time on weekdays? Good news, we have started weekly classes on Sundays. Admission going on. Enroll now. Contact 7384634846, 7797945262, 9832078906. Address: Somani Institute of the Division and Productions, Ashram Pada, Ramkrishna Road, beside Angela High School, Siliguri. SK Live is 21st century internet news channel, now also available on Hathway Box channel number 871 on traditional TV. SK Live is the first and independent internet and traditional news channel in North Bengal and Sikkim, committed to providing complete news and live debate to global audience in 5 different languages, viz. Hindi, Bengali, Nepali, Marwari and Bhojpuri. We stream over the internet and onto your TV device, smart as well as cable, computer or smartphone, and our original television contains produced HD video. ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एसके लाइव में। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के राज्य सभापति त्रिणांकुर भट्टाचार्य आज पहुंचे चालसा, माला और खादा पहनाकर स्थानीय नेताओं ने किया उनका भव्य स्वागत। तृणमूल छात्र परिषद राज्य सभापति त्रिणांकुर भट्टाचार्य सबसे पहले आज चालसा युवा तृणमूल कार्यालय पहुंचे और वहां पर उनको मेटली ब्लॉक के सभापति दीपक भुजेल, श्रमिक नेता प्रकाश नायक सहित अन्य तृणमूल छात्र नेताओं ने माला और खादा पहनाकर उनका स्वागत किया। सभी स्थानीय नेताओं से उनका परिचय कराया गया। उन्होंने युवा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक भी की। इस बैठक में कोलकाता में 19 जनवरी को होने वाले ब्रिगेड समावेश को लेकर चर्चा की गई, साथ ही पार्टी को मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। आज वो चालसा के एक गैर सरकारी रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं। मालदा कॉलेज मना रहा है अपना 75वां प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम। इस अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। मालदा कॉलेज अपना 75वां प्लैटिनम जुबली उत्सव मनाने जा रही है, जिसकी आज गुरुवार से शुरुआत हुई। इस उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं को लेकर इलाके में एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न रास्तों का परिक्रमा करते हुए वापस से मालदा कॉलेज मैदान में आकर समाप्त हुआ, जहां दीप प्रज्वलन के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस विषय पर कॉलेज प्रबंधन द्वारा बताया गया है कि आगामी 15 दिनों तक कॉलेज प्रांगण में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय प्रांगण को रंगोलियों से सजाया है। इतना ही नहीं, बाहर के कलाकारों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। आज के कार्यक्रम में कॉलेज के अध्यापक प्रभास चौधरी के साथ मालदा परिषद के सभाधिपति गौरचंद्र, कॉलेज के छात्र छात्राएं तथा अन्य शिक्षक गण मौजूद थे। अलीपुर द्वार जिले के फालाकाटा ब्लॉक के जटेश्वर मित्र पारा संलग्न इलाके में एक कलवर्ट के नीचे मृतदेह बरामद होने से फैली सनसनी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृत व्यक्ति का नाम राम प्रसाद घोष है, जो जटेश्वर स्कूल पाड़ा के निवासी है। शव को पहले स्थानीय लोगों ने देखा, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही जटेश्वर फाड़ी की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतदेह को बरामद कर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। राम प्रसाद घोष पेशे से मुर्गी व्यवसायी है। वे अपने घर से बुधवार को निकले थे फालाकाटा के भागुनी हाट की ओर के लिए। उसके बाद से अपने घर पर नहीं लौटे। बृहस्पतिवार सुबह उनका शव पाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मालदा शहर के हरिश्चंद्रपुर थाना अंतर्गत कुशीदा अंचल के राजल ग्राम इलाके में बुधवार रात एक युवक ने की कीटनाशक खाकर आत्महत्या। मृत युवक का नाम 22 वर्षीय सपन मंडल बताया जा रहा है। पारिवारिक सूत्रों से पता चला है कि बुधवार दोपहर सपन अपनी खेत वाली जमीन पर गया था। वहां से लौटने के बाद वह उल्टियां करने लगा। परिवार द्वारा पूछने पर उसने कीटनाशक खाने की बात कही, जिसके बाद परिवार के लोगों ने उसे हरिश्चंद्रपुर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी अवस्था और ज्यादा बिगड़ जाने पर उसे मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां रात को सपन की मौत हो गई। मृत सपन के चाचा विप्लव मंडल ने बताया कि किसी से उतना बात नहीं करता था। इसके अलावा वह कई दिनों से उदास रहता था, मगर बुधवार दोपहर वह कीटनाशक खाकर आत्महत्या करेगा, इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। आत्महत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हरिश्चंद्रपुर थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कालिंपोंग जिला खेलकूद संगठन की ओर से आयोजित कालिंपोंग डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक मीट 2019 का बृहस्पतिवार से हुआ शुभारंभ। कालिंपोंग मेला ग्राउंड खेलकूद महासमर का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अर्जुन पुरस्कार प्राप्त एसके राय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस 17 दिवसीय खेलकूद महाकुंभ के औपचारिक उद्घाटन हुआ मशाल जलाकर। इस कार्यक्रम में जीटीए बोर्ड सदस्य संजयवीर सुब्बा के साथ विभिन्न खेलकूद वेदाओं के प्रतिनिधि एवं विशिष्ट व्यक्तित्व उपस्थित थे। आज 10 तारिक जनवरी स्टार्ट भएर 27 तारिक क्लोजिङ थाल्ने आज भएको छ। र यो माध्यममा धेरै जग्गा
हामीले धेरै इभेन्टहरू जम्मा 16 इभेन्टहरू सर यो 16 इभेन्टमा चाहिँ धेरै आर्टका हाम्रो नानीहरूले विभिन्न राम्रो बस्तीका नानीहरूले भाग लिइसकेका छन् र यसरी नै यो विभिन्न जग्गाको नानीहरूको जस्तो बस्तीको छ उनीहरूलाई एउटा ओलम्पिक के हो कस्तो हुन्छ अब उनीहरूलाई त्यो नलेज छैन है अहिलेसम्म त्यो प्राखत पाएको छैन र यो नामकरण गरेर हामीले उनीहरूलाई एउटा राम्रो उनीहरूको जुन चाहिँ स्किल छ उनीहरूलाई उनीहरूको स्किललाई प्रमोट गर्ने उत्तर बङ्गाल एवं सिक्किमकी खबरोकी जानकारी सबसे तेज आप तक पहुँचे इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबाएं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक चैनल को लाइक शेयर एवं उन पर कमेंट जरूर करें। उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का प्रमुख खबर दूसरों से पहले आप तक पहुंचे इसलिए आप बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।